चलिए लिख भर के रुक करते हैं जो लदबई से सामने है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 12% आरक्षण की मांग को लेकर के सैनी समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने हाईवे को जाम करके रख रखा है और इसी के चलते वे काफी भारी तादाद में ट्रकों का भी वहां पे जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में उनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया और इसके ऊपर अभी हाल फिलहाल क्या नई अपडेट सामने आ रही है, क्या अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे हैं तो उन्होंने क्या समाधान निकाला है, सीधा दिखाते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। नदबई में 12% आरक्षण की मांग को लेकर के सैनिक समाज ने सोमवार को भी महापड़ाव व हाईवे जाम कर आंदोलन को जारी रखा है। आगरा बीकानेर हाईवे को जाम किए अब तक करीब 14 घंटे से भी अधिक समय गुजर चुका है। अब तक करीब 2000 से अधिक ट्रक जाम के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं, जबकि अन्य वाहनों को डाइवर्ट कर निकाला जा रहा है। सैनी समाज के लोग 12% आरक्षण की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 3 महीने पहले ही समाज ने संबंधित संगठन के नाम से प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर के जाम की चेतावनी दे दी थी। आंदोलन महात्मा ज्योतिराव फुले आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले किया जा रहा है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन व SP श्याम सिंह सुबह आंदोलनकारियों से वार्ता करने के लिए पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे तक वार्ता हुई, लेकिन आरक्षण की मांग पर कोई भी सहमति नहीं बन सकी है। जिला कलेक्टर रंजन ने बताया कि आंदोलनकारियों की मांगों से राज्य सरकार को अवगत भी कराया गया। अब IG प्रसन्न कुमार खमेसरा व संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वार्ता करने जाएंगे।